तो देखिए ये मैंने गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए 3-4 ही कटिंग तैयार कर लिए। देखिए इतनी आप इससे छोटी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये कर लिया। ये बिल्कुल सही समय है गुड़हल की कटिंग लगाने का, तो आप इस टाइम बिल्कुल लगा सकते हैं गुड़हल की कटिंग। वैसे तो मार्च तक लगा सकते हैं, लेकिन अभी लगाएंगे तो ये मार्च तक फूल देने लगेंगे। मैंने इस तरह ही मैं हर साल 4-4, 5-5 छोटी छोटी कटिंग लगा देती हूँ। आप 6 इंच की भी लगाएंगे तो गुड़हल की कटिंग जो है बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो इजी टू ग्रो है ये कटिंग लगाना गुड़हल की, तो आप इसी तरह से घर पर तैयार कर लें आसानी से। तो देखिए अब मैं ये अलग अलग गमलों में, जिनमें कि मैंने पहले ही पौधे लगा लिए थे, अब उसका सीजन खत्म होने पर अब मैंने अलग अलग गमलों में लगा रही हूँ। तो देखिए मेरे कुछ पॉट खाली हो गए हैं, जिसमें पहले मैंने गुलदाउदी के लगाए थे, अब इनका सीजन भी खत्म हो गया है। गुलदाउदी का तो उखाड़ कर फेंक दिया है मैंने। अब ये देखिए ये को मैं बिल्कुल, इसको लगाने का बिल्कुल इजी तरीका है ऐसे ही, यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही। ये जरूरी नहीं है आप इसके नीचे से कैसे भी कटिंग कर ले। तो देखिए मैंने ऐसे सादा ही काट लिया था और ऐसे ही मैं इसको लगा दूंगी। तो मैं तो इसी तरह से ही लगाती हूँ और बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं। मैं दिखाऊंगी इसका, जब ये हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हो गए हैं। देखिए मैंने ये कटिंग लगाई थी, देखिए कितने छोटे में ही फ्लावर आ रहे हैं। ये देखिए इसे भी लगाए हुए 2-3 महीने हुए थे। गुड़हल तो एक ऐसा प्लांट है जिसको आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं, लेकिन ये सीजन जो है लगाने का बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए एक में यहाँ लगा देती हूँ, ये मेरा खाली पड़ा हुआ है, जो जो कंटेनर भी मेरे खाली पड़े हुए हैं मैं इस पर ही गुड़हल लगा रही हूँ। और एक ही गुड़हल लगाने का रीज़न ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता है गुड़हल का पौधा। कि देखिए अब मैंने एक इसमें लगा दिया है, तो कितनी भी तेज़ गर्मी होगी, धूप होगी, तो ये बर्दाश्त कर लेगा, इसलिए इसको लगाना अच्छा रहता है और इजी टू ग्रो है और इसकी केयर भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो इसी तरह से मैं जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए, गमले पॉट्स खाली हैं तो मैं लगाती हूँ, और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे दूंगी। लेकिन मैंने ये गमलों में ऑलरेडी पहले ही पानी डाल दिया था, इसलिए मैंने ये कटिंग लगाने के बाद पानी नहीं डाला है। और बस इसकी केयर भी कोई ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, और इसकी केयर करने के लिए तो यही है कि सुबह शाम आप समय समय पर पानी देते रहें। और जैसे गर्मियाँ हैं तो आपको 2 टाइम भी देना पड़ सकता है, सर्दी में तो आप 1-1 हफ्ते में पानी ना दे तो चलता है। और बस ये है कि इसमें आप अगर चाहे तो महीने में 1 बार खाद भी दे सकते हैं, और समय समय पर इसकी कटिंग भी करते रहना चाहिए। कटिंग करेंगे तो उतनी अच्छी तरह फ्लावर इसमें आएंगे, फैलेगा भी पौधा और आपका बर्ड्स भी काफ़ी आएंगे। तो अब मैं एक ही कटिंग रह गई है, इसको भी अभी गमले में देखती हूँ कौन सा गमला खाली, इसमें ही लगा देती हूँ। तो जो इसके फ्लावर्स आते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए मेरा गेंदा ये भी सूख चुका है, फ्लावर्स तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं इसको 1-2 दिन में उखाड़ कर फेंक दूँगी। देखिए अब वो फूल इतने बड़े नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पूरे सीजन इसने फ्लावरिंग करी है। तो अब इसका ये है, देखिए अब पौधे को निकालने का टाइम हो चुका है। इसको लगाकर नए नए पौधे तैयार हो रही हैं, देखिए छोटे छोटे पौधे गेंदे की, ये देखिए अब ये अच्छे से फूल देंगे जब ये बड़ी हो जाएंगी। तो बस ये पुराने जो पेड़ हो जाते हैं जिनसे काफ़ी महीने हो गए इसमें फूल देते थे, तो इसको उखाड़ देंगे। तो अब बस देखिए मैंने एक ही कटिंग रह गई है, इसको भी अब मैं लगा रही हूँ। एक कटिंग मैंने यहाँ लगा दी है। तो देखिए मैंने ये इस तरह से काफ़ी सारे जो ये हैं कटिंग मैंने गुड़हल की लगा रखी हैं। जब इसमें फ्लावर आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। अभी आपके सामने मैंने कटिंग लगाई है, और इससे पहले भी मैंने कई पौधे कटिंग से तैयार किए हैं। ये देखिए पिछले साल लगाया था, अभी तो जरा ये है इसमें लीव्स जो है सारी झड़ गई हैं, अब आगे आगे इसमें नई नई लीव्स आएंगी और तभी फ्लावरिंग करेंगे बहुत अच्छे से। तो गुड़हल जो है एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही, इसकी लेस भी सुंदर लगती है और जब फ्लावर खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बंचेस में फूल देते हैं। ये देखिए ये पुराने जो ये मेरे गुड़हल लगे हैं तो ये भी हो रहे हैं। और इधर देखिए आपको ये मैं दिखाऊं, ये भी मैंने डिब्बे में, छोटे से डिब्बे में कटिंग से ही लगाया था। तो देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें भी पिछले साल फूल आए थे। और ये इधर देखिए ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। तो इसकी कटिंग जो है बहुत ही आसानी से हो जाती है, आप इसे आसानी से कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, किसी भी तरह की मिट्टी में कर सकते हो। ज़्यादा खाद वाद देने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस समय समय पर कटिंग करते रहें। हाँ इसमें कीड़ा जो है वो बहुत जल्दी से लगता है, तो आपको समय समय पर इसमें नीम के पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए या नीम ऑयल का छिड़काव करते रहना चाहिए। और जो अगर शुरू शुरू में आपको कीड़ा दिखाई दे तो अगर आप वही लीव्स हटा देंगे तो फिर आगे कीड़ा नहीं फैलता है।
ये कितने सारे मेरे गुड़हल के इस तरह ही कटिंग के द्वारा तैयार हुए हैं। मैं एक पौधा लेकर आई थी, उससे मैंने अनेकों पौधे तैयार कर लिए थे। ये देखिए पिछले साल का लगा हुआ है, तो काफी बड़ा है, बहुत फूल आए थे इसमें पिछले साल। बस अब आगे आगे मार्च से इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो अब भी फूल आते रहते हैं, कभी एक आध आता ही रहता है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से फ्री में ही कई सारे जो है गुड़हल के प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और ये मेरे पास कई कलर में है, जब इनमें फ्लावर आएंगे तो दिखाऊंगी। एक ये देखिए, ये भी गुड़हल का ही है। तो मेरे पास ये रेड है, रेड के भी दो तीन शेड है, कोई गुच्छे वाला है और कोई ऑस्ट्रेलियन वेराइटी का गुड़हल है, और कि येलो है, वाइट भी है। तो जब इसमें फ्लावर्स आएंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा वाइट है कौन सा येलो है। तो बहुत ही जो गुड़हल होते हैं इसमें जब जैसे भी फूल खिले तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, और पूरी गर्मियों ये आपको फ्लावर्स देते रहते हैं। ये देखिए कितना बड़ा हो रहा है ये गुड़हल, और नीचे भी मेरे बहुत सारे गुड़हल के फूल हो रहे हैं, पौधे हो रहे हैं। तो देखिए अब तक इसमें बर्ड्स भी आ रही हैं। ये देखिए बर्ड्स, तो वैसे मैं कह रही थी ना कि इसमें वैसे दो चार फूल आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते पूरे सारे। देखिए ये बर्ड्स आपको दिखाई दे रही होगी, तो इस तरह फूल भी आते रहते हैं। बीच में भरी सर्दियों में भी इसमें जनवरी के महीने में भी फूल आए, ज़्यादा नहीं आए लेकिन एक एक दो दो आते ही रहे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करी इन पौधों पर। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है इसका, इसको अपने आपको जरूरी लगाना चाहिए, और ज़्यादा केयर की भी आवश्यकता नहीं होती इसकी।